ब्राइट वर्ल्ड कंप्यूटर चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज के ऑनलाइन क्लास में सीखने वाले अकाउंटिंग अकाउंटिंग में सीखने वाले हैं टेली.टीआरपी9 की क्लास में आज हम लोग सीखने वाले हैं टर्नओवर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो टर्नओवर रहेगा। टर्नओवर का मतलब है कि हम जो पार्टी को माल सेल करते हैं तो उसको टोटल सेल कितना किया गया है, वो सेल हमको यहाँ पे दिखाना जरूरी है। और उसको करने के लिए हम लोग आपको प्रैक्टिकली करने वाले हैं, सारी चीज़ दिखाने वाले हैं। और साथ में करंट बैलेंस जो होता है बाय डिफॉल्ट पहले से ही आता रहता है। दोनों में अंतर क्या रहेगा वो भी मैं आपको समझाऊंगा। अगर चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। ठीक है, आज का जो टॉपिक है उसको चालू करने के लिए सबसे पहले आपको करना है, आपको टेली को अपने कंप्यूटर के अंदर टेली.टीआरपी9 के आइकन पर जाके उस पर डबल क्लिक करके उसको चालू कर लें। जैसे ही आप चालू कर लेते हैं तो चालू होने के बाद में आपकी टेली ओपन हो जाती है, और टेली ओपन होने पर आपकी कंपनी अपने आप आ भी सकती है। और मैंने यहाँ पे क्या ब्राइट वर्ल्ड कंप्यूटर इंस्टीट्यूट कंपनी अपनी ओपन कर रखी है। यदि आपकी नहीं आती है और आप पहली बार चैनल पे आए हैं और कंपनी आप टेली में काम करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप यूट्यूब में ब्राइट वर्ल्ड कंप्यूटर इंस्टीट्यूट चैनल पर जाएँ। वहाँ पे प्ले लिस्ट में टेली.टीआरपी9 के 1, 2, 3, 4, 5 वीडियो देख लें। वहाँ पे कंपनी बनाना सर्च सेलेक्ट करना आ जाएगा। कंपनी बना के उसको सेलेक्ट कर लें और आपकी कंपनी का नाम नेम ऑफ कंपनी में आ जाना चाहिए। जब यहाँ पे ये आ जाएगा तो आपको ये टॉपिक करना है। और ये टॉपिक करने के लिए आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको गेटवे ऑफ टेली के अंदर अकाउंटिंग बाउचर में जाना है। किस में जाना है, अकाउंटिंग बाउचर में जाना होता है। अकाउंटिंग बाउचर में जाने के लिए आपको F8 करना है। क्या करना है, F8 प्रेस करना है या फिर सेल्स पे क्लिक कर देना है। और यहाँ पे मैंने बाउचर टाइप चला रखा है इसलिए इस तरीके से ऑप्शन आ रहे हैं। हो सकता है आपके में ये नहीं आए, आए तो सेल्स ले लेना है। अब यहाँ पे लेने के बाद में आप जैसे यहाँ पार्टी पे आते हो, यहाँ पे पार्टी अकाउंट में, तो उसके जस्ट नीचे करंट बैलेंस तो दिखाई दे रहा है और सेल्स लेजर आ रहा है, लेकिन यहाँ पे टर्नओवर नहीं आ रहा है। सबसे पहले हम लोग टर्नओवर को एक्टिवेट करते हैं। उसके लिए आपको F12 कंप्यूटर से अपने F12 प्रेस करना है या फिर आपको कॉन्फिगर पे भी जाना होता है। जैसे यहाँ पे कॉन्फिगर पे आ जाते हैं तो यहाँ पे कॉन्फिगरेशन ऑप्शन ओपन हो जाते हैं, लेकिन अब यहाँ पे आपको मोर ऑप्शन के अंदर जाना होगा। उसके लिए प्रेस F12 ही करना होगा, F12 प्रेस करेंगे तभी जाएंगे, क्लिक करने से ये नहीं जाएगा। तो मैंने कीबोर्ड से F12 प्रेस किया और ये कुछ एडवांस ऑप्शन से ये नीचे ओपन हो जाते हैं। इसमें सबसे नीचे आपको हेडिंग की बात करें तो अदर ऑप्शंस आता है। अदर ऑप्शंस में आप जाओगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा सो टर्न ओवर अचीव्ड विद कस्टमर, और यहाँ पे ये नो हो रहा है इसलिए वहाँ पे शो नहीं हो रहा है। मैंने यहाँ पे वाई प्रेस किया, एंटर किया तो यस हो गया, और एंटर करके एक बार एक्सेप्ट कर लेना है और दूसरी बार एंटर करते हुए इसको एक्सेप्ट कर लेना है, या कंट्रोल ए से भी आप इसे एक्सेप्ट कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे आपने इसको ओवर टर्नओवर को चालू किया तो यहाँ पे टर्नओवर आ जाएगा। अब टर्नओवर और करंट बैलेंस में क्या अंतर है वो समझाऊंगा और क्यों करते हैं वो भी समझाऊंगा। ठीक है, मान लेते हैं मैंने एक पार्टी है, मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, मुझे से मैंने लेना मोहन एंड मोहन ले लिया। ठीक है, एंटर करते हुए आगे बढ़ सकते हो इस तरीके से, या कंट्रोल से भी आप इसको आगे बढ़ा सकते हो। अब जैसे यहाँ पे दिखाई देगा कि जो मोहन का जो बैलेंस है, यहाँ पे मैं मोहन अकाउंट जैसे मैंने लिया तो यहाँ पे आप देखोगे तो टर्नओवर में आ रहा है 4,26,000, लेकिन करंट बैलेंस में आ रहा है 3,33,600। इन दोनों में अंतर आ रहा है, तो ये मैंने इसीलिए आपको समझाने के लिए अंतर ये किया हुआ है। तो मैं आपको बताता हूँ, जो करंट बैलेंस होता है उसका मतलब है कि इस पार्टी के पास उधारी कितनी है। तो उधार की बात की जाए तो 3,33,600 रुपये उधार है, और यदि हम लोग टोटल सेल की बात करें तो यहाँ पे 4,26,000 यहाँ पे आ रहा है। तो इस तरीके से यहाँ पार्टी का आपको टर्नओवर दिखाई दे जाएगा। मैं इसकी जगह अगर यहाँ पे कोई दूसरी पार्टी लेता हूँ, मैंने लिया मोहन एंड सन्स और बैक किया। अब यहाँ पे देखोगे तो आपको ये मोहन एंड सन्स का अलग से दिखाई दे रहा है। यदि मैं कस्टमर 3 लेता हूँ तो कस्टमर 3 में भी आप बैक स्पेस दबा के देखोगे तो टर्नओवर में यहाँ पे 5,995 आ रहा है, लेकिन करंट बैलेंस में नहीं आ रहा है। इसका मतलब है कस्टमर 3 पर आपकी कोई उधारी नहीं है, लेकिन कस्टमर 3 को हमने 5,915 रुपये का माल टोटल अभी तक सेल किया हुआ है। ठीक है, अब बात आती है कि ये जो टर्नओवर है हम लोग यूज क्यों करते हैं। ठीक है, यूज करने के लिए मैं आपको समझाता हूँ। मैंने यहाँ पे एक टेबल बनाई हुई है, इसको यूज करने के लिए आप समझ सकते हो। इसका यूज हम लोग करते हैं टर्नओवर का, कि हमें टर्नओवर शो हो जाए, और क्यों शो कराना चाहते हैं ये भी समझना चाहते हैं। तो इसके लिए आपको करना है, यदि हम लोग अपनी सेल को बढ़ाना चाहते हैं, किसको बढ़ाना चाहते हैं, अपनी सेल को बढ़ाना चाहते हैं, जैसे कि कई बार सितंबर में एंड होता है या फिर मार्च में एंड होता है, तो आप वहाँ पे सेल बढ़ाना चाहते हो, तो उसमें क्या हो सकता है। मान लेते हैं किसी पार्टी आपने एक डिस्काउंट या इंसेंटिव की स्कीम निकाली है। इंसेंटिव का मतलब क्या होता है ये भी समझाता हूँ। इंसेंटिव का मतलब है कि आप माल सेल करने के बाद में उसको आप प्राइस देना चाहते हो, कैश या ऑनलाइन जैसे भी हैं,
और डिस्काउंट का मतलब है कि आपके बिल में से ही उतना अमाउंट कम कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों चीजें हैं, डिस्काउंट भी दे सकते हो लास्ट बिल पे और इंसेंटिव भी दे सकते हो। इसके में उदाहरण के लिए आपको समझना है कि टर्नओवर क्यों करते हैं। मान लेते हैं एक पार्टी है कि उसके उसको हमने मान लिया 95,000 का हमने क्या कर दिया है, माल सेल कर दिया है। अब मार्च एंड चल रहा है, हम लोग अपनी सेल बढ़ाना चाहते हैं, तो हम उस पार्टी को कॉल करेंगे और बताएंगे कि यदि आप 5,000 रुपये या 5 से ज़्यादा का माल परचेज कर लेते हो तो आपका टोटल टर्नओवर कितना हो जाएगा, आपका 1,00,000 हो जाएगा और उस पर आपको 0.25%, यानी कि जो टोटल सेल है उस पर 0.25%, मतलब 0.25% उसको इंसेंटिव या डिस्काउंट आप दोगे। तो वो नेक्स्ट मंथ में परचेज करने वाला था लेकिन वो इसी मंथ में परचेज कर लेगा, उसका 1,00,000 हो जाएगा। तो आप उसको 0.25% आप यहाँ पे क्या करोगे, उसको डिस्काउंट दे दोगे, ठीक है। इसके बाद में 2.05% का मतलब है 250 रुपये का यहाँ पे अमाउंट बनेगा। आप 1,00,000 जितना टोटल अमाउंट हो उसके साथ में गुना कर देना 0.25, ठीक है, परसेंट। इसके बाद में मान ले कोई दूसरी पार्टी है, उसका मान ले 1,95,000 या 1,90,000 या 1,97,000, यानी कि 2,00,000 के आसपास आ रहा है, ठीक है। तो आप उसको कॉल करेंगे कि सर आप अगर मान ले 1,95,000 है और आप 5,000 या 5 से ज़्यादा का अगर परचेज कर लेते हो तो आपको टोटल सेल पे 0.25% यानी कि आपको 0.50% का डिस्काउंट मिलेगा, या फिर आप उसको बचा सकते हो, इंसेंटिव मिलेगा जो बाद में आपको दिया जाएगा। तो 2,00,000 गुना अगर 0.5% करते हो तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 5×10 यानी कि 1,000 रुपये आ जाएगा, यानी कि उसको 1,000 का फायदा हो रहा तो वो अपनी परचेजिंग पहले कर लेगा और आपका फायदा हो जाएगा कि आपने अपनी सेल को बढ़ा लिया। ऐसे ही आप यहाँ पे जो 3,00,000 है, मान ले कोई पार्टी है उसने 2,90,000 2,95,000 मान ले 2,90,000 उसने कर लिया, अगर 2,90,000 का कर लिया तो 10,000 कम पड़ रहे हैं, तो 10,000 करने में उसको कोई परेशानी नहीं होगी। आप उसे कॉल करेंगे कि सर आप 2,90,000 का आपने टोटल माल खरीदा है, अगर 10,000 या 10 से तो कुछ ज़्यादा आप परचेज कर लेते हो तो आपका 3,00,000 का टोटल टर्नओवर हो जाएगा और आपको 1% का इंसेंटिव या डिस्काउंट दिया जाएगा। आप जो देना चाहें डिस्काउंट तो डिस्काउंट और इंसेंटिव इंसेंटिव, तो वो कैलकुलेशन लगाएंगे कि 3,00,000 गुना 1% तो आपका निकल के आएगा 3,000। उसको अगर 10,000 का माल लेने पर 3,000 का फायदा हो रहा था, बिल्कुल जरूर करेगा, आपकी सेल बढ़ जाएगी और उनका क्या है जो नेक्स्ट मंथ में या जब भी माल खरीदने वाले थे वो उसको पहले खरीद लेंगे। तो इस तरीके से टर्नओवर का हम लोग यूज कर सकते हैं कि पार्टी का टर्नओवर क्या है और किस तरीके से आप यूज करना चाहते हो अपनी सेल बढ़ाने के लिए। तो मैंने यहाँ पे अभी आपको विद प्रैक्टिकली पूरा यहाँ पे बताया हुआ है, आप उसको आप आराम से यहाँ देख सकते हो। मैंने अभी अभी यहाँ टर्नओवर जिस तरीके से यहाँ पे चालू किया था वो कर सकते हैं। मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ, ऐप 12 प्रेस करना है कीबोर्ड से और फिर से एक बार ऐप 12 प्रेस करना है, तो आपको अदर ऑप्शन के सबसे नीचे वाला जो हेडिंग है उसमें से फर्स्ट वाला जो टॉपिक है वो है सो टर्नओवर अचीव्ड विद कस्टमर, उसको यस करना है और यस करने से ये यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा। तो आज के टॉपिक में मैं आपको यही समझाने वाला था, मेरा टॉपिक क्लियर हो गया। अगर आपको समझ में नहीं आया तो कमेंट्स में डाल सकते हो, और यदि समझ में आ गया तो प्लीज़ चैनल को लाइक कमेंट शेयर जरूर किया करें ताकि मैं आपको कंटिन्यू वीडियो डालता रहूं और मुझे भी मोटिवेशन मिले। आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।